मतलब स्मार्ट स्टडी करनी है ताकि हम कुछ समय में पढ़ के अच्छा रिजल्ट हासिल कर लें, उसे बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। तो अब इसमें बहुत ज्यादा काम आने वाला है। सबसे पहली बात देखते हैं, आप लोगों ने सुना होगा डार्विन घूमने गया था। डार्विन कब घूमने गया था? डार्विन एक बीगल नामक जहाज में गया था घूमने, पूरे संसार की यात्रा करने, जैव विकास को समझने के लिए। बीगल नामक जहाज में 120 ml, वो 80 ml ब्लड का 80 में भी जब आप 3 भाग 80 के करेंगे तो 1 भाग RBC का होता है जो कि 120 दिन में बनता है, बाकी सब 4 से 7 दिन में बन जाते हैं। तो इसलिए हर 3 महीने में यदि आप ब्लड डोनेट करते हैं अपना, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे, ठीक है? इससे कोई दिक्कत आएगी ही नहीं क्योंकि हमारी बॉडी की सेल्स होती है 120 दिन। इसमें माइटोकांड्रिया पाया जाता है, जैसे माइटोकांड्रिया ऊर्जा ग्रह होता है सेल का। अब स्पर्म में क्यों पाया जाता है? क्योंकि स्पर्म जब वेजाइनल ट्रैक से छोड़ दिया जाता है यूट्रस में तो क्या होता है, इसको दौड़ना होता है। जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक माना जाता है क्योंकि इन्होंने ये चर्च में काम करते थे। अब बात करते हैं मेंडल के नियम। मेंडल ने अपने 3 नियम दिए, नंबर 1 प्रभाविता का नियम, नंबर 2 पृथक्करण का नियम और नंबर 3 स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। मतलब कि एड्स को लोगों को बताने के लिए, गांव के एरिया में पहुंचकर लोगों को बताने के लिए एक संस्था काम करती है जिस संस्था का नाम है नैको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नैको एक ऐसी संस्था है जो एड्स के बारे में सभी लोगों को अवेयर करती है, बताती है।